उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं जो हूँ आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्या जाएगी टीजीटी आर्ट की जो है फाइनल कट ऑफ। ये जो कट ऑफ है ये मैं केवीएस से एग्ज़ाम को लेके बताने जा रही हूँ, जिसके इंटरव्यू जो थे आपके कोलकाता में हुए थे। तो इसमें जो है रिटन एग्ज़ाम की क्या गई थी, तो इसमें आपके रिटन एग्ज़ाम की जो मेरिट गई थी केवीएस टीजीटी आर्ट की, किस सब्जेक्ट की बता रही हूँ मैं, आर्ट की बता रही हूँ। तो इसकी जो थी जनरल की कट ऑफ जो थी वो गई थी 132, ओबीसी जो था उसकी कट ऑफ गई थी 126, एससी जो था उसकी गई थी 124, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो गई थी 122, और एसटी जो था उसकी कट ऑफ गई थी 107। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जो है फाइनल मेरिट जो है वो क्या जा सकती है। तो इस बार जो है आपको भी पता है कि इंटरव्यू का काफ़ी रोल है, क्योंकि पहले जो होता था 85% जो होता था आपका रिटन एग्ज़ाम होता था, और 15% जो होता था वो आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन इस बार जो है 70% तो आपका जो है रिटन एग्ज़ाम है, और 30% जो है इंटरव्यू है। तो आइए जानिए क्या जाएगी आपकी जो है KVS की जो है फाइनल कट ऑफ। तो एक अनुमान के अनुसार जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो है कट ऑफ जो है TGT आर्ट की जो कट ऑफ है KVS की वो क्या जा सकती है। तो आपकी जो है जनरल की जो कट ऑफ है वो 71.33 के आसपास जा सकती है, बस 10-20 पॉइंट तो इधर उधर हो सकती है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास जो है आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी। OBC की जाएगी आपकी 70.23, और SC की जाएगी 69.67 के आसपास, और EWS जो है उसकी कट ऑफ जाएगी आपकी 69.20, और जो ST हैं ऑलमोस्ट 60 के आसपास जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको मैं सभी को ये बताना चाह रही हूँ, जो जिनका जो है सिलेक्शन जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज में हुआ है, तो वो घबराए ना, कि वो ये ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरा नाम मेरिट में नीचे की साइड आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका उसमें कम हो और इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क हो जाए। तो बहुत ही जल्द आप सभी को जो है आगामी मिलने वाली जॉब के लिए शुभकामनाएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।